नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर को, हाई बीपी को आप कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण है, आप इस नुस्खे को जब सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा, आपको अटपटा सा लगेगा कि ये क्या बताया जा रहा है, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि रात का बचा हुआ बासी रोटी अगर आप सुबह दो रोटी को दूध में डुबो के खाते हैं तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होता है, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये आजमाया हुआ चीज़ है, ये लोगों द्वारा सत्यापित किया हुआ चीज़ है। आयुर्वेद में इसका कई जगह पर जिक्र किया गया है, कई सारे किताबों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हम लोग अनाज का कद्र करें, बासी रोटी को ना फेंकें। आप अपने घरों में अगर रोटी बच जाता है तो उसका इस्तेमाल करें, सुबह खा सकते हैं। सुबह खाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। अगर आप बासी रोटी ये सोच के ना खाएं कि मुझे बीपी नहीं है तो मैं क्यों खाऊं, नहीं, ऐसा ना सोचें आप। अगर आपको बीपी नहीं भी है तब भी आप बासी रोटी दूध खा सकते हैं, आने वाले समय में आपको बीपी नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और इसका और भी कई फायदा है। अगर आप सुबह कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर मार्केट में निकलते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो आपको गैस की जो बीमारी है, आपके पेट में जो गैस बनता है वो गैस नहीं बनेगा। आपकी एसिडिटी की जो बीमारी है वो आपको कभी नहीं होगी। इतना ही नहीं, एसिडिटी से क्या होता है, जब आपको एसिडिटी बनने लगता है, इसी एसिडिटी के कारण और ज़्यादा देर तक भूखे रहने के कारण, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जीने के कारण आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, और इसी के कारण आपको डायबिटीज़, शुगर की भी बीमारी हो जाती है। तो अगर आप इस नुस्खे को अपनाएंगे तो ना केवल हाई ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा बल्कि एसिडिटी नहीं होगी और शुगर की बीमारी से भी आप बचे रहेंगे, डायबिटीज़ से भी आप बचे रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बताया। रात में जो रोटी बच जाता है, सुबह दो बासी रोटी को दूध में डुबो के खाना है आपको। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बदले आपको बासी रोटी, दो बासी रोटी दूध में डुबोकर खाना है। सिंपल है, ये आपको करना है और आपको इन चार पांच बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सके और इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वे नोटिफिकेशन बटन पर एक बार क्लिक ज़रूर कर दें। सब्सक्रिप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के बगल में एक घंटी बना हुआ है, नोटिफिकेशन बेल बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिल सके। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।